शैक्षिकी पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने के लिए एचआरडी मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। नायक पानाजी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने सोमवार को कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से शैक्षिकी पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए फिजिकल एजुकेशन पीई पाठ्यक्रम के तहत योग को आवश्यक विषय के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी, जिससे योग 2020-21 शैक्षणिक वर्ष से पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर बात करते हुए नायक ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम झारखंड के रांची में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए कई योग गुरु और अतिथि विदेश से आएंगे। मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम आयोजित करने वाले देशों की संख्या 177 से बढ़कर 200 हो गई है।